आज हमारे राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के द्वारा आयोजित और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का आह्वान पर कैद है मीडिया, जनता है विवश, बैठे धरना पर, मनाए काला दिवस। ये कार्यक्रम के तहत आज हम लोग कुलवर प्रखंड के चांदी ग्राम में अपने आवास पर एक काला पट्टी बांधकर हम लोग बिहार सरकार के जो रवैया, तानाशाही रवैया है, जो उनकी नाकामी है, उसके खिलाफ हम लोग आज काला दिवस के रूप में आज के दिन को मना रहे हैं। कोरोना महामारी संकट के से निपटने में नकाब नीतीश सरकार द्वारा मीडिया कर्मियों पर लगाए गए प्रतिबंध के खिलाफ आज सभी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के साथ ही सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए आज काला दिवस सरकार के खिलाफ मुंह पर काला पट्टी बांधकर मना रहा है। आज जो हम सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं, इसके माध्यम से हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की 5 सूत्री मांग है बिहार सरकार से। बिहार से बाहर फंसे मजदूर जो घर वापसी चाहते हैं, जो बुलाने की तकी कार्रवाई की जाए, तथा जो स्वेच्छा से यहाँ नहीं आना चाहते, उनके खाते में ही उनकी रकम को दी जाए। जितनी उनको ट्रेन से लाने, क्वालिटी करने आदि पर खर्च हो जाता है, यह खर्च सरकारी आंकड़े की घोषणा के अनुसार प्रत्येक हर व्यक्ति पर कम से कम 10,000 का होता है, अर्थात प्रति व्यक्ति 10,000 की राशि सभी के खाते में डालने की व्यवस्था की जाए। दूसरी मांग हमारे राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की है, बिहार में रह रहे वैसे लोग जिनके खाते में अब तक मात्र 1,000 रुपया दिया गया है, उन्हें दूसरी किस्त की राशि भी अति शीघ्र उपलब्ध कराई जाए। तीसरी मांग, राज्य सरकार में रोजगार की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु ठोस योजना बनाई जाए। चौथी मांग है, किसान के नुकसान की भरपाई हेतु ठोस पर्याप्त एवं तौकीक कार्रवाई की जाए। पांचवी है, क्वालिटी सेंटर से खबर संग्रहित करने के लिए मीडिया कर्मियों को प्रतिबंधित करने की लोकतंत्र विरोधी आदेश को अविलंब वापस लिया जाए। आज नीतीश सरकार में इस कोरोना जैसी महामारी को लेकर जो भी बाहर से हमारे प्रवासी मजदूर भाई जो भी आ रहे हैं, उनको क्वारंटीन किया जा रहा है, लेकिन उस सेंटर पर क्या गड़बड़ी है? जब तक मीडिया बंधु वहाँ पर नहीं जाएंगे, सरकार को वहाँ की कमी को सरकार के की ओर ध्यान नहीं कराएंगे, लेकिन तानाशाही सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए, ये 15 साल से नीतीश कुमार की सरकार है, वे अपनी नाकामी छिपाने के लिए कि 15 साल हमने बिहार में कुछ नहीं किए हैं, ये कोरोना जैसी महामारी में इनकी 15 साल की शासन की व्यवस्था की पोल खुल गई है। आज हर जगह पलंग हुए प्रवासी मजदूर भाई आज वहाँ से भाग रहे हैं, ना उनको सही से पानी की व्यवस्था है, ना वहाँ पर उनको बाथरूम जाने की सही से व्यवस्था है, ना खाने का वहाँ पर अच्छी से व्यवस्था है। ये कोरोना जैसी महामारी में भी ये लूट मचा हुआ है। सरकार को इस पर ध्यान देनी चाहिए कि जो भी हमारे प्रवासी मजदूर हैं, हमारे घर के परिवार हैं, हमारे घर के सदस्य हैं, इनकी हिफाजत करना मेरा फर्ज बनता है, लेकिन बिहार सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए, ये 15 साल के शासन में जो इन्होंने किए हैं उसको छिपाने के लिए, ये हमारे जो चौथे स्तंभ है मीडिया, उस जगह पर नहीं जाए ताकि हमारी कमी को उजागर करे, कि इसीलिए इन्होंने अपने तानाशाही आदेश को मीडिया बंधुओं को वहां जाने से रोक रहे हैं। तो हमारी राष्ट्रीय लोक समता वही 5 सूत्री मांगों को लेकर हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने ये 5 सूत्री मांगों को लेकर और मीडिया कर्मी पर जो भी प्रतिबंध सरकार की ओर से लगाया गया है, उसको क्वारंटीन सेंटर में जाने के लिए, वहाँ के न्यूज समाचार को संग्रहित करने के लिए, उस परिवहन को जल्दी हटाकर
ये काम को करें, यही सब मांगों को लेकर आज पूरे बिहार स्तर पर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के माननीय हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी के आह्वान पर उनके एक एक कार्यकर्ता एक एक सिपाही आज काला बिला लगाकर ये तानाशाही सरकार के विरोध ये काला प्रदर्शन कर ये जनहित में कि आवाज़ बनकर ये सरकार से को चेतावनी दे रही है कि आप तानाशाही बंद करें और जनहित में काम करें। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी